नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक इट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि पीएम केयर्स फंड के बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री राहत कोष होता क्या है तथा यह जो प्रधानमंत्री राहत कोष है इसका इस्तेमाल किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा पीएम केयर्स फंड की स्थापना क्यों की गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की स्थापना की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा, कोविड-19 जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है इसका असर जो है मान लीजिए भारत पे बहुत अधिक पड़ता है। भारत में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो है हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना की है। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे के स्लाइड में हम बात करेंगे कि पीएम केयर्स फंड होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह जो पीएम केयर्स फंड है एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। क्या है यह जो पीएम केयर्स फंड होता है? यह पब्लिक चैरिटेबल एक ट्रस्ट होता है जिसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पीएम केयर्स फंड जो होता है यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो पीएम होते हैं, जिसे आप याद रखिएगा। तथा इसके अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके अन्य सदस्यों में आपके रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। तो इतने लोग शामिल होते हैं पीएम केयर्स फंड में। आप इसे याद रखिएगा, यह जो पीएम केयर्स फंड है यह एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जिसके जो चेयरमैन, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तथा इस पीएम केयर्स फंड में आपके रक्षा मंत्री शामिल होते हैं, गृह मंत्री शामिल होते हैं और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई, यानी मतलब यह जो प्रधानमंत्री राहत कोष है इसमें जो है मैक्सिमम जो डोनेशन है उसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होंगे। तो इसकी खास बात यह है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसमें जो राशि है, जो डोनेशन यानी दान की राशि है, उसकी जो समय सीमा है उसको निर्धारित नहीं किया गया है। कोई व्यक्ति कितना भी इस फंड में दान कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है, यह जो पीएम केयर्स फंड है आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। इसका मेन मोटिव क्या है? यह जो प्रधानमंत्री राहत कोष है यह आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को मजबूत करेगा और नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योगदान, आइए देख लेते हैं कि CSR, मान लीजिए CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके तहत इस फंड में कौन कौन डोनेट कर सकता है। तो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यानी कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है उसने स्पष्ट किया है कि पीएम केयर्स फंड में CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है। यानी जितनी भी कंपनियाँ भारत में वर्क करती हैं वे इस फंड में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगी, ऐसा स्पष्ट किया गया है हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका कुल मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक हो या कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। यानी यह जो सी एस
आर का प्रावधान है यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका कुल मूल्य यानी कि जिनकी नेट वर्थ है 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, या उनका जो कुल कारोबार है यानी कि उनका कुल जो टर्नओवर है 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या शुद्ध लाभ यानी कि उनका जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, वो इसके तहत जो है योगदान जरूर करेंगे। तो ये आप इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है CSR के तहत उपरोक्त कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2% योगदान करना अनिवार्य है। क्या कहा गया इसमें कि जो CSR है यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत जितनी भी कंपनियां हैं जिनके लिए जो मैंने ऊपर रूल बताया है, उस रूल के तहत जितनी कंपनियां आती हैं उन कंपनियों को अपने पिछले वर्ष के शुद्ध लाभों का औसत 2% योगदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि इस वर्ष यानी कि 2019 की जो PCS की परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स की, उसमें इस CSR से जो है एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, इसीलिए से ये जो पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में। तो आइए जान लेते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना कब की गई तथा इसका किन किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता ने अंशदान से प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, जैसा पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की जो मदद करने के लिए जनवरी 1948 में, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने जनता से अपील करके जो अंशदान मनाया, मतलब क्या कहा जा रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई थी। पहली बार कब? तो जनवरी 1948 में। डेट आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतः बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं व दंगों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए किया जाता है। तो इन विषम परिस्थितियों में जो है PM केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी विषम परिस्थितियां हैं, जैसे बाढ़ की स्थिति, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें जो जिन लोगों के परिजन मारे जाते हैं तथा या बड़ी दुर्घटना व दंगों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने के लिए इस प्रधानमंत्री राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, उसके बाद कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। तो इन सभी परिस्थितियों में जो है PM केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटी सहायता नहीं मिलती है। क्या है? तो यह जो प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, यह केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटी सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अन्य संस्थानों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा कोष की जो धनराशि है प्रधानमंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधानमंत्री राहत कोष का जो गठन है संसद द्वारा नहीं किया गया है। क्या है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसे आप याद रखिएगा। जो PM केयर्स फंड है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष है, इसका गठन जो है संसद के द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका जो प्रबंधन है प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो PM केयर्स फंड है इसका जो गठन है संसद के द्वारा नहीं किया जाता है तथा इस कोष की निधि यानी कि इस कोष की धनराशि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा है प्रधानमंत्री राहत कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और
धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है। तो ये भी पॉइंट आप याद देखिएगा, जो पीएम केयर्स फंड है इसको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 और धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने से छूट मिलती है। उसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष के अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रधान पीएम केयर्स फंड मतलब हमारा जो प्रधानमंत्री राहत कोष है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और अधिकारी कर्मचारी अवैतनिक आधार पर इसके संचालन में उनकी सहायता भी करते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष का एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, कौन सा लास्ट पॉइंट है, ये है प्रधानमंत्री राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(6) के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया गया है। यानी जो प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि अंशदान की गई है उसको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत जो है मतलब छूट दी गई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पीएम केयर्स फंड के बारे में पूरे डिटेल में हमने बात कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।